लेबनान में एक बड़े हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस भयानक धमाके में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 4000 लोग घायल हुए हैं। ये धमाका किसी परमाणु बम के धमाके जैसा था। वीडियो में आप धमाके के भयावह रूप को देख सकते हैं। दोपहर के वक्त हुए विस्फोट में राजधानी के कई हिस्से हिल गए। शहर में घना काला धुआं उठने लगा। लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बेरूत में धमाके के बाद से ही हॉस्पिटल्स में भीड़ जमा हो गई। जिस जगह धमाका हुआ वहां से 10 किलोमीटर दूर तक धमाके का असर दिखाई दिया। सैकड़ों इमारतों का मलबा सड़कों पर ही फैला दिखाई दिया, जबकि दुकानों के शीशे भी टूट गए। इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने ट्वीट कर कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि 2750 टन अमोनियम शहर के बीच असुरक्षित ढंग से रखा गया था। इस मामले में अब जांच बिठा दी गई है। लेबनान के रक्षा विभाग ने कहा है कि घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे उन्हें लंबी सजा भुगतनी होगी। वही अधिकारियों का कहना है कि पिछले 6 साल से एक बंद गोदाम में रखे विस्फोटों की वजह से यह घटना हुई। हालांकि अभी भी धमाके की सही वजह का पता नहीं लग पाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को बताया कि पूरे देश में इस धमाके की आवाज सुनी गई। उन्होंने इसके रॉकेट स्ट्राइक होने या विस्फोट से जहाज को उड़ाने जैसे आतंकवादी हमले पर भी शक जाहिर किया था। लेबनान पहले से ही कई मुश्किलों को झेल रहा है, लेकिन मंगलवार को इस तबाही ने ऐसा मंजर दिखा दिया कि जैसे मानो सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया हो।